उधर कितने भाई? ये बैठो कहने में नाम अपना पुकारो ना रे मनीषा। चलो झूठ बोल के बैठो फिर देने क्या नंदिता दूर घर के क्या पाई दूर घर के क्या पाई वेरी गुड बैठो देने में सपना। चलो हाँ चलो टच होना चाहिए। चलो झूठ धर के क्या पाई वेरी गुड बैठो। और दहने क्या नाम है? हाँ सोनी। चलो पकड़ो झूठ धर के क्या पाई? अपना कर्म। बहुत सुंदर। चलो और दहने और प्रियंका। चलो झूठ धर के क्या पाई? जोर से बोलो इधर देख के वेरी गुड। चलो हाँ चलो अरे नैना कुमार क्या नाम है मुनि? उमा। अरे झूठ धर के क्या पाई? अपन कर्म भया। चलो वेरी गुड माँ से भी बड़ी हो गई। चलो और कौन ना क्या नाम है? चंदू। अरे झूठ धर के क्या पाई? अपन कर्म भया। वेरी गुड क्या बात बैठो और उसे नैना अंकिता। चलो अंकिता झूठ धर के क्या पाई? अपन कर्म भया। वेरी गुड उसके दहने कौन है रे? प्रिया। प्रिया प्रिया झूठ धर के क्या पाई? अपन कर्म भया। चलो भारिया। चलो उसके दहने संजू झूठ धर के क्या पाई? अपना कर्म भया। वाह सवार बैठो। चलो आरती नाम तो जानते हैं। चलो आरती झूठ धर के क्या पाई? देखो भाई कहाँ है? चलो रे कौन है रे? सुना जरा उधर के का भाई कौन है? मधु। मधु उधर के का भाई? शाबाश। चलो ठीक है दहने क्या है रे? प्रीति। झूठ धर के क्या पाई? चलो वेरी गुड। चलो क्या नाम है? प्रियंका। ओ प्रियंका झूठ धर के क्या पाई? एकदम चलो सवाल। और ये कौन है? अंजलि। चलो झूठ धर के क्या पाई? अरे चलो शाबाश बहुत लंबी है रे लड़की। चलो रिकॉर्ड तोड़ेगी। चलो रे क्या नाम है रे? मधु झूठ धर के क्या पाई? चलो क्या रे सुमान झूठ धर के क्या पाई? चलो झूठ पूछने के बैठो। चलिए आज बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ। हर ही चीज है कि हम एक दूसरे को पहचानते हैं जानते हैं है कि नहीं? तो इसीलिए एकदम कर्कश आवाज से बोलना है। एक आवाज कंठ में निकलना चाहिए एकदम। कोई डर भाई नहीं। क्या डर है? सब भाई बंधु बात बोल दिया है माँ बाप है क्या है? हम बच्चे लोग को बोलते हैं स्कूल में कि एकदम नीरा रहोगे बोलो। ये इतना सुंदर सुंदर डांस करती है ना कि एकदम मिला के रखती है। ऐसा सिखलाए हैं बोलने से लेके करने के लिए बहुत। तो ऐसा नीरा बनो हर जगह नाम कमाओ रोशन हो। आने वाला दिन में एग्जाम की तरफ नाम होगा क्या उसका लड़की काम किया है उसी तरह काम के दिखाना है कि नहीं? वो अपने जीवन में बहुत कुछ करने का आगे बढ़ने का है कुछ संवरने का है। जीवन क्षणभंगुर है जब तक जीवन है आस है तब तक जीवन है। और आदमी चल जाता है तो खाली नाम याद रहता है सोच रहता है। इसलिए कुछ करके जाओ यही दुआ करते हैं आप सबों से। आप लोग के बीच में हमारा जगन्नाथ महतो है ये बोलेंगे और बोलिए।
के जो राम से जो इस तरह का अपना पीछे नहीं है पूजा चालू कर अरे बच्चे दे हम के गोल से बढ़िया से बच्चा पे बच्चे दे हम रे हो गए ए ए दे बच्चे बनावा सबको बैठे दे ऊपर हाथ के धरा अपने हो जाते हैं एक जन अथी लगावा ऊपर हाथ के सब धरा चले नहीं आगे एक जन जा बेस जाबे बाबू बबली के धरा एक जन में सब कर हो जाते धूप क्या है सिंदूर के बाद धूप है होगा तो धूप चलाने चलो जो फल लाई है लोग टांगने का प्रयास करो ज्यादा बड़ा तो डाली नहीं है लेकिन देख के अपना अथी करो अरे एक ही घंटा नीचे में साइड में भी दे सकती है पूजा पर पूजा पर चक्का मन का फिर रखो सर आया दिया का नानी झाबा बहुत ही सरकार लगे चलो हो गया चलो कहानी जो है हम लोग शुरुआत करते हैं वो पंडित जी ये कहानी बता ला रहे थे अच्छा ढंग से मात्र जल्दी जल्दी आओ पैर छुओ हम लोग यहाँ पैर छूने के लिए है आशीर्वाद देने के लिए कहाँ
कैसे ना खुश रहिए खुश रहिए जरूरी है हां कर्म में लागती ना सब आई मीन खुद लागत रहिन सब के अरे होलिका खुश रहो बेटी खुश रहो होलिका ना आते लक्ष्मी एक ले लक्ष्मी ले लक्ष्मी ले होले तू यो तू यो ना तू यो पढ़ो खुश रहो सब मजा बढ़िया से चांदो एकदम खुश इल्पी ना खुल पे चल कोट लागला सुंदर खुश रह हो गए। चोरों ने उसके मित्र का भी धन अपहरण कर लिया और चोर जो है जैसे उनका करना वो अपना दोस्त पर यार तो क्या कर रहा है जो है चोर जो है घुस के अपना धन दौलत के बीच में ले गए। राजा वहां से भी जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। वन में राजा ने धुंधला हो जाते संपन्न देखा ने सफा राजा वहां कर रहे उनका घर को देखने के लिए जंगल में चले गए। तो जंगल में जो है एक पेड़ जो है आम का वृक्ष संपन्न के कारण तथा उस वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं थी। पेड़ तो बहुत था और फल फूल लगा हुआ लेकिन जो है वो बीच में जो है एक पक्षी नहीं था कुछ नहीं था। उसके फलों नाम क्या नाम है क्या नाम में कौन है मुझे क्या नाम है तुम लोग बताओ। आओ लक्ष्मी अरे झूठ धर के का पाई झूठ पकड़ो फेरी झूठ कूद लेके बैठो। रहने में कौन है जोर से बोलो चांदनी। ओ चांदनी अरे झूठ झूठ धरो ना रे दोनों हाथ में चलो झूठ धर के का पाई वेरी गुड सवाल। नाम उनका नाम था कर्म और धर्मा और उनका राजा का पुत्र रहा कर्मा और धर्मा। कुछ समय बीतने के बाद दुष्कर्मा स्वर्ग को प्राप्त किया। जो समय बीता तो राजा इस धरती से चले गए जो है दो पुत्र को छोड़कर और जो है दोनों भाई जो है कर्मा और धर्मा दोनों भाई घर का और जो है बाप मरण कर बाप बेटा उत्तराधिकारी हो ना उस तरह जो है बेटा होकर जो राजा कर बेटा घर द्वार के चलाए लागना है और उसके बाद जो है घर गृहस्थी सब तरह अपना अधिकार दोनों बेटा का हो लागला। उस समय बीतला तो दोनों का जो है दोनों भाई का कार्य अलग अलग हो गए। धर्म की स्त्री सुंदर स्वभाव वाली तथा पतिव्रत और धर्म का पत्नी भली भांति पालन करने वाली थी और कर्मा की स्त्री कर्कशा तथा नित्य प्रति झगड़ा करने वाली और धर्मा की पत्नी जो है बहुत ही सुंदर थी और सब त्यौहार को मैंने खास कर कर्मा ने बहुत अच्छी तरह से लेकिन जो है कर्मा जो है कर्म की स्त्री जो है बहुत ही कर्कशा बहुत झगड़ालू किस्म की औरत थी। धर्म की स्त्री प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी व्रत को करती थी और धर्मा की पत्नी जो है प्रत्येक वर्ष जो है कर्मा जो है का एकादशी जो है कर्म कार की पूजा करती थी और झूरदेव का पूजन करने के बाद ऋतिक फल उसे रोज खाते थे और जो है झूरदेव और जो है ये कर्मा डाली को मार कर उसका पूजा करके ही कुछ ऋतिक फल को खाती थी। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर दही और भात करनी के साथ पारण भी करती थी। इस व्रत के प्रभाव
सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। ओम जय जगदीश बोले बोले बजरंग बली की जय। कर्म देवता की जय। बोले बोले जगन्नाथ को स्वामी की जय। चलो बैठ जाओ। दिया है तो दीप को खड़ा होकर पूरा दिखाओ उसको, अरे जो सब जला सब खड़ा है, दिया जला दिया समय सब खड़ा है। सोचो कि हमारा जो गति है पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सब के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी कृपा करो भ्राता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलू दया मैं तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के शंकर शान निधूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो धावै फल पावै दुख भी नसे मन का। ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी। तुम बिन और ना दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे मराठी आ रहे हैं और यही प्रार्थना करेंगे ऊपर से कि हम लोग का भी जो है धन धान्य और हर क्षेत्र में हम लोग को सुखी रखे। यही भगवान से कर्मदेव से ये प्रार्थना करेंगे। और साल भर का ये त्यौहार है और हमें शांति पूर्वक जो है इस त्यौहार को मानते हुए जितना भी विघ्न है बहुत सारे कष्ट है वो कलेश हमारे जीवन में मिटे यही प्रार्थना करेंगे ऊपर वाला भगवान से, है कि नहीं। तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग यही सोचते हैं कि हमारा परिवार हमारा भाई हमारा जो भी समाज में है वो हमारा माने सुखी रहे और जीवित रहे ताकि हमको देख सके। अरे ये हमारा करना चालू कर दिया। तो ये चीज जो है हमें सोचना है कि इस त्यौहार में हमको क्या लाभ है क्या हानियां है। आज जितना पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहा है जरूर कुछ होगा इस त्यौहार को मानने में हम शांति महसूस करते हैं या बहुत कुछ आगे दुआ करते हैं कि हम भी आगे पढ़ाई लिखाई से लेकर जितने भी धन धान्य से लेकर हर परिपूर्ण हो ये हम लोग सोच के प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादश का वर्ष करके और उसको जो है मांगते हैं दुआ मांगते हैं कि हमको
जो हर परिवार हमारे समाज में, परिवार में, घर में सुखी संपन्न रखे, यही से हम लोग हर वर्ष जो है गर्मा पर्व मानते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो और एक बार तीन तीन बार जो है शुद्ध स्नान करो, रथी को, बेटा को, चलाने अपन अपन कर।